इसे एक साइड से अच्छी तरह पकने के बाद दूसरी साइड पलट देंगे। अब मेरा चिकन दोनों तरफ से पक के तैयार हो गया है। इसके बाद इसे फोक की मदद से हम सेपरेट कर लेंगे। दो फोक लेंगे और उसे सेपरेट करना शुरू करेंगे। देखिए, अच्छे से स्मैश करेंगे जिससे कि तार तार अच्छी तरह से निकले चिकन का। रेशे रहना चाहिए चिकन के, खीमा नहीं, रेशे। देखिए, अब मेरा चिकन स्मैश होके तैयार हो गया है। अब उसे एक तरफ साइड में कर दूंगी और दूसरी साइड पैन के उबले हुए आलू छील के उसमें स्मैश करके डाल दूंगी एक साइड पैन के एक साइड। देखिए, अच्छे से स्मैश करके डाल दूंगी। देखिए, ध्यान रहे चूल्हा इस वक्त मीडियम फ्लेम पे हो। देखिए, अच्छे से मेरा पोटैटो स्मैश हो गया है। बाद में बचे हुए मसाले, जो भी स्पाइस मिक्स बचा के रखा था वो मिला के, और मैरिनेट किया हुआ चिकन में जो लेफ्ट ओवर मसाला था वो इस पोटैटो में डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद चिकन भी अच्छे से उसमें मिक्स कर देंगे। बाद में जो हरा धनिया लिया था ना वो भी इसमें डाल देंगे। देखिए, डाल के अच्छे से मिक्स करना है। देखिए, अच्छे से मिक्स करना है, इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ लो फ्लेम पे मिक्स करना है। पोटैटो, जो भी मसाले बचे हुए थे ना वो डाल के, हरा धनिया डाल के, देखिए मेरा फ्लेम लो पे ही है, अच्छे से सिर्फ मिक्स करना है लो फ्लेम पे। अभी ऑफ कर देंगे मिक्स करने के बाद। बाद में आते हैं अगले स्टेप की तरफ। उसमें जो 2 कप मैदा लिया था उसमें 1 टेबलस्पून जितना ऑयल डालेंगे और 1/4 टीस्पून जितना नमक डालेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद पानी डाल के इसे अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। देखिए, सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। अभी इसे ढक के थोड़ी देर रेस्ट के लिए रख देंगे 5-10 मिनट्स के लिए। उसके बाद 5-10 मिनट्स के बाद देखिए अच्छे से रेस्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया है डो हमारा। अभी इसके 2 पार्ट्स बना लेंगे, 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे डो को। एक हिस्सा लेंगे सूखा मैदा लेंगे डस्टिंग के लिए, अच्छे से इसे रोल करेंगे। रोल करते वक्त ये ध्यान रखिए कि ये ज़्यादा थिन भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। देखिए, इसकी थिकनेस इतनी होनी चाहिए। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की है उसे भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। एक पार्ट वाली स्टफिंग लेंगे, इसके ऊपर डालेंगे इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इक्वली। ऑडियो जंगल, इसे अच्छे से स्प्रेड करने के बाद एक लेयर की तरह बना लेने के बाद हम एक कटोरी लेंगे, उसमें 1 कप पानी लेंगे और 4 चम्मच मैदा लेंगे और उसका अच्छे से घोल तैयार कर लेंगे। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। इस घोल को तैयार करने के बाद हम चम्मच की मदद से या फिर हाथ की मदद से इसके नीचे वाले पोर्शन में थोड़ा सा लगा लेंगे
और इसे रोल करेंगे हल्के हाथों की मदद से, धीरे से आराम से रोल करेंगे। ये हाथ की मदद से फिर थोड़ा सा इसे रोल करके इक्वल बना लेंगे। साइड के किनारे काटेंगे और आधा इंच जितना एक एक स्पिन रोल कट करेंगे। देखिए ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। हाथ में लेंगे एक एक और इसे फ्लैट करेंगे हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से इसे फ्लैट कर लेंगे। थोड़ा सा, ज्यादा फ्लैट नहीं करेंगे, थोड़ा सा उंगलियों की मदद से फ्लैट कर लेंगे। और एक प्लेट में जमाते जाएंगे। देखिए ये देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, खाने में उतने ही ज्यादा मजेदार होंगे। घर में कोई मेहमान आ जाए झटपट से तैयार हो जाएंगे। चटपटा खाने का मन करे तो कम इंग्रेडिएंट्स में झटपट से तैयार हो जाएंगे, देखने में भी उतने ही सुंदर रहेंगे और खाने में भी उतने ही मज़ेदार रहेंगे। एक बार बना के खा के देखिए, बार बार बनाएंगे। देखिए मेरे दूसरे डोके भी और स्टफिंग रखी थी ना, उसमें भी मैंने तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें तेल डाल के हीट कर लेंगे ऑयल को। फ्लेम पे रख के ऑयल हीट कर लेंगे। ऑयल अच्छे से हीट हो गया है, अभी मैं फ्लेम लो पे रखा है। घोल जो तैयार किया था उसे चम्मच की मदद से थोड़ा मिक्स करने के बाद एक एक स्पिन रोल उठाएंगे, डिप करेंगे और तेल में डालते जाएंगे। ध्यान रहे फ्लेम लो पे रहे वरना जल जाएंगे। सॉगी ऑयली ज्यादा हो जाएंगे। देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दूसरी बैच के भी फ्राई करके निकाल लिया। पिनव्हील्स बनकर तैयार हो गए हैं। देखने में कितने खूबसूरत लग रहे हैं, देखिए खाने में भी उतने ही मजेदार रहेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग my video।